नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा, डोज कॉइन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या डोज कॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है? कल की वीडियो के अंदर मैंने डोज कॉइन फ्लो की शिबा और बोन कॉइन के बारे में आपको अपडेट दी थी, और डोज कॉइन के अंदर हमारी 0.135 से शॉर्ट भी थी, और जिसका प्राइस जो उसने हिट किया था 0.1120, यानी कि हमने मैसिव प्रॉफिट गेन किया है इन आवर शॉर्ट। और लेवरेज भी 15x ली थी, मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए, तो मौके में चौका। अप्रोक्स 200% हमने प्रॉफिट गेन भी किया इन डोज शॉर्ट, और 27th को हमने इसके अंदर स्पोर्ट में बाइंग की थी, जो कि अप्रोक्स 0.065 के आसपास की थी। और इसके हिसाब से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि वहां से इसने 15.5 सेंट तक इसने पंप भी किया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या डोज कॉइन का प्राइस और ऊपर जा सकता है, जैसे अभी रैली देखने को मिली, क्या रैली दोबारा से हमें देखने को मिल सकती है या ये ट्रैप है। और जब से एलोन मस्क ने ट्विटर बाय किया है, उसके बाद से आप प्राइस देख रहे होंगे लगातार पंप ही होता जा रहा है, या जब से ये कह लीजिए जब से डोज कॉइन का माई बाप एलोन मस्क बना है, तब से आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देख रहे हो, पंप देख रहे हो, लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डोज कॉइन का एज पर चार्ट एनालिसिस, एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए या क्या करना क्या आपके लिए ठीक रह सकता है। इस वीडियो के अंदर कोई भी जानकारी आपको जो दी जा रही है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क एंड कोर्स पर इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। सीधा लेकर चलता आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइएगा, तभी तो चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पे चलते हैं। 62% ऑफ डोज कॉइन होल्डर्स इन प्रॉफिट एंड एमिड होप्स ऑफ ट्विटर इंटीग्रेशन। 3 घंटे पहले कॉइन टेलीग्राफ पर यह न्यूज़ आई हुई है। 98.5% इन द लास्ट 7 डेज, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो मैं आपको चार्ट के हिसाब से भी दिखाना चाहूंगा, आप चार्ट के हिसाब से भी देखोगे तो इसने 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, सबको गायब करते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये देखिए, यहां पर आप देखोगे तो इसने क्या मैसिव गेन किया था, यहां से देखिए और ये देखिए, अप्रोक्स 160% का इसने मैसिव प्रॉफिट दिया था लोगों को। अब क्या है, अब क्या चार्ट आपको बताना चाह रहा है वो बताने की कोशिश करूंगा, साथ में एक न्यूज इसके साथ और भी जुड़ी हुई है। अब डोज इन्वेस्टर्स इनटू प्रॉफिट, अभी भी जिन्होंने 65-70 यानी कि 10 सेंट पे भी बाय किया था तो भी अभी भी वो प्रॉफिट पे है, 10 से 15% अभी करंट प्राइस के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ तो मैं। और जिन्होंने 6 सेंट 5 सेंट पे बाय किया था वो तो अप्रोक्स 200% 100% प्रॉफिट पर है, ठीक है। करंट प्राइस 12.13 सेंट का इस वक्त प्राइस चल रहा है, ठीक है, 0.1213 का प्राइस चल रहा है। अब क्या है, डोज कॉइन ने जो अनाउंसमेंट किया है, पहली बात तो जो इसके पुराने बंदे थे सीईओ पीओ क्या कहते हैं, उन सबको निकाल दिया। अब इसके बाद क्या स्टेप लिया उसने कि रूमर सही है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि उनकी तरफ से कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ट्विटर टू चार्ज $20 per month फॉर ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच। $20 per month, आप देखिए अब करोड़ों लोग हैं इसने कमा लिया, और पर मंथ के हिसाब से कमाएगा तो आप सोचिए, मुझे नहीं लगता साल भर में सारा पैसा वसूल कर लेगा, साल 2 साल के अंदर जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके बाद अब इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें ये इनबिल्ट करेगा, मनी ट्रांजेक्शन ये वो फलाना, NFTs NFTs, जिससे वो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसलिए तो बाय किया है, कोई संत नहीं है कि आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों के फेवर के लिए इसने बाय किया, ऐसा कुछ नहीं, अपने फेवर के लिए बाय किया है। अब जो $20 है, अब इसका डोज कॉइन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, जो $20 की पेमेंट है, हो सकता है ये आप डोज कॉइन के अंदर माध्यम से पेमेंट लेते हुए दिखाई दे सकती है ये ट्विटर के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं करोड़ों लोग इसके जो ब्लू टिक होल्डर्स हैं, लाखों लोग जो ब्लू टिक होल्डर्स हैं, तो उनको पेमेंट किससे करनी पड़ेगी, डोज से। डोज को बाय करेगी, इसके अंदर बाइंग बढ़ेगी इसकी, और बाइंग बढ़ेगी तो इट मीन्स इसके प्राइस में इजाफा होगा, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ता है, तो सेम यहीं पर है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस के अंदर आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अगर ऐसा होता है तो।
ठीक, अब चलते। हाँ, जिनका ऑलरेडी ब्लू टिक है उनको उनको भी पेमेंट देनी होगी। ये नहीं कि वो फोकट में मौज लेंगे, नहीं, उनको भी देनी होगी। 90 डेज के अंदर उनको पेमेंट देनी होगी। जैसा इसके देखा, अपनी तरफ से तो कोई अगर कुछ कहेगा नहीं, जब बात निकल के आई होगी कहीं से, लीक हुई होगी, जभी तो न्यूज़ वाले भी डाल रहे हैं। पर ये क्या पता अपने इंडियन न्यूज़ वाले की तरह भी हो सकते हैं, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती हम इसको मान नहीं सकते। पर इसका अगर ऐसा होता था, इस पर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी देख सकते हो आप, एक बुलिश पीनेंट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पीनेंट पैटर्न को भी ना देखें, पोल को भी ना देखें, तो हमें एक डाउन ट्रेंड चैनल दिखाई दे रहा है, फॉलिंग वेज दिखाई दे रहा है। और फॉलिंग वेज के अभी रेजिस्टेंस पर, ये देखिए आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये एरिया करीब करीब रेजिस्टेंस पर है। और अगर हम बात करते हैं आरएसआई की, अगर हम आरएसआई की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए हम लेके चलते हैं, अगर इस हिसाब से भी लेके चलते हैं हम थोड़ा सा पीछे तक भी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास एक 42 के आसपास या 40 से 42 के आसपास हमारे पास आरएसआई के भी अंदर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी हमारे पास जो FIB लेवल के हिसाब से भी बात करते हैं, तो हमारे पास 12 सेंट का भी हमारे पास एक सपोर्ट है। और अगर यहाँ से ड्रॉप भी होता है तो फिर चांसेज हैं इसके करीब करीब 11.7 से लेकर 11.6 तक, मतलब 0.116 से लेके 11.7 तक हमारे पास चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ तक कि चांस प्राइस इसका आ सकता है। ऑलरेडी वी आर इन शॉर्ट, यानी कि 3 से 4% और आप इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको, मेरा जो मानना है, एक बार अगर इसका प्राइस यहाँ तक हिट करता है, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। देखिए अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इसका प्राइस हिट करता है इस जोन पर, ये जो जोन है यहाँ से लेके और इस जोन पे, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है, इस जोन में हमारी एक एंट्री बनती है। तो आप चाहें तो अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे एक यहाँ से एंट्री लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें ये थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकता है। और अगर इसके वो मेरे पास चांसेस है यहाँ तक दोबारा से अपने जो इसने भी रिसेंट हाई अचीव किया था वो कर सकता है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर ये न्यूज़ जो ठीक निकल कर आ रही है $20 वाली, अगर ये ऐसी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, तो फिर हम दोबारा से 30 से 50% की रैली इसके अंदर देख सकते हैं। तो दोबारा से अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे डबल टॉप बनेगा, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, उसके बाद आपको बहुत स्लो स्लो प्राइस रिट्रेस होता हुआ दिखाई देगा, यानी इसका एक तरह से प्राइस एक तरह से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि लोग ब्लू टिक लेने के लिए, ताकि अपने आप को वेरीफाई बैच दिखाने के लिए पैसा देंगे, यानी कि नहीं देंगे, पैसा भी देंगे, खूब लोग इसको बाय भी करेंगे। जैसे मैं भी हूँ, मैं बात चलो यार ब्लू टिक वेरीफाइड करवा लेता और $20 जो देने हैं दे देते हैं। पर उन्होंने फी भी प्रबंध के हिसाब से की है, काफ़ी लोग जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इसको यूज करते रहेंगे, और कि सोचेंगे क्या जरूरत है, तो कोई भी खरीद सकता है इसको, क्या आप इसको ना भी ले, पर कुछ लोग तो लेंगे। ओवरऑल एलोन को तो फायदा होने वाला है, क्या पता इससे हमें भी फायदा हो सकता है इस न्यूज़ से, तो हम भी इसके जरूर साथ रहने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट इसके साथ। बाकी डोज कॉइन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चार्ट आपके सामने है, हमारी शॉर्ट ऑलरेडी एक्टिव है, 0.135 से और 0.1112 तक के जा भी चुकी है, हमने इसके अंदर मैसिव गेन लिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, लेकर आऊँ आपके लिए नई वीडियो नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड वेरी मच।